नमस्कार। आज मैं एक नया अनुभव, एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो जो कि मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल के और पौधों के बारे में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा दो गेंदे के पौधे हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, और मैंने अभी तक कभी गेंदे को कटिंग से नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव डे पे बारिश हो रही है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि गेंदे को कटिंग से लगाऊं। तो उसके लिए मैं इसको बड़े वाले स्टेम को तो नहीं डिस्टर्ब कर रही, ये जो इसका छोटा वाला है स्टेम, इसको मैं लेके, और इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि डायरेक्टली कोकोपीट पे लगाऊं, क्योंकि कोकोपीट लाइट होता है, मॉइस्चर उसमें जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और वो पोरस यानी कि वो सब तरफ से एरेशन प्रोवाइड कर सकता है स्टेम को, ताकि रूट्स जल्दी डेवलप हों और जल्दी उनकी ग्रोथ हो सके। तो आइए हम ये कटिंग लेते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि एकदम नोट के पास से काटूं। तो ये मैंने एक गेंदे की कटिंग ले ली है, और ये मेरा ग्लास है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट कोकोपीट है। तो अब इसमें हम पहले तो थोड़ा होल बना लेंगे। ये देखिए, हमने करीब इतना गहरा होल बना लिया है, ताकि हमारी ये जो स्टेम है ये यहाँ से इसकी लीव स्टार्ट हो रही है, तो इतनी ये अंदर चली जाए। और साथ ही जो और गार्डनर्स बताते हैं कि आपको लीव्स कम कर देनी चाहिए जब स्टेम से कोई चीज़ ग्रो करे, तो हम वही करेंगे। हम इसके ऊपर की लीव्स पहले हटा देंगे, और हम इसको जितना छोटा और कम लीव्स वाला हो उतना ही बना देंगे। तो आज डेट है 22nd of May। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है। तो ये देखिए, हमने इसकी लीव्स ऊपर से टॉप से पूरी तरह से काट दी हैं, ये देखिए। और अब हम इसका ये जो बॉटम है, हमने इसकी लीव्स थोड़ी छोड़ दी हैं, ऑलमोस्ट इसकी 80% लीव कट गई, 20% हमने छोड़ दी हैं, और हमने नीचे से स्टेम थोड़ी क्लीन कर ली है। मैंने इसको स्टेम को नीचे से इस तरह से नहीं किया था, बट अब मुझे याद आ गया कि स्टेम से ग्रो करने का प्रोसेस यही होता है कि आप थोड़ा नाखून से, या अगर स्टेम आपकी बहुत मजबूत है तो नाइफ से इसको निकाल लें। और इसको काटने का भी होता है 45 डिग्री एंगल पे इसको काटें, पर चलिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के बस अब हम इसको इसमें लगा देते हैं। लगाने के बाद हमको ध्यान ये रखना है कि हम इस ग्लास में ऊपर से डायरेक्टली पानी ना दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ग्लास के नीचे मैंने ये एक छोटा सा आइसक्रीम का वो कप जो आता है वो रखा हुआ है। अब मैं इसी में इसको में पानी डालती रहूँगी, ताकि ये नीचे से अपना पूरा, इधर से आप देखें तो ये नीचे से इसमें होल है, और ये अपना उसमें से ले, कप में से पानी ले सकता है। तो अब हम इसको बस साइड से प्रेस कर देंगे, क्योंकि कोकोपीट लाइट होती है, ताकि ये अपनी जगह से बस हिले ना, बस एक हमारा मकसद यही है। तो आज है 22nd of May, हम आगे देखते हैं कितने दिन में ये प्रोग्रेस करता है। अभी इसका फिलहाल तो ये साइज है। आज डेट है 2nd of July, और ये देखिए मेरे गेंदे का, मैरीगोल्ड का, जो हमने कटिंग से लगाया था,
वो अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि जो हमने 22 मई को जो लगाया था वो सूख गया था। फिर मैंने दोबारा करीब 3-4 दिन बाद 25 या 26 तारीख को ये दूसरी कटिंग लगाई थी, जो कि मैंने ये यहाँ टॉप से काटी थी इसके, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो मैंने इस गेंदे के टॉप से इसको कटिंग को काटा था, और उसका ये जो दूसरा वाला, ये देखिए इसमें फूल भी आना शुरू हो गया। तो ये टॉप वाली कटिंग में मैंने लीव्स कम नहीं की थी, मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था। लेकिन डिफरेंस ये रखा था कि पहला जो मैंने 22 मई को लगाया था उसमें मैंने पानी ऊपर से दे रही थी, जिसकी वजह से ये कटिंग सूखती जा रही थी। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने जैसे आपको ये दिखाया था कि मैंने इसके नीचे ये आइस कप रखा है, तो मैंने इसमें नीचे से पानी दिया, इस वाली कटिंग को मैंने नीचे से पानी दिया, तो ये बहुत अच्छे से लग गई है। और ये आज इसको लगे हुए 1 महीना पूरा हो गया है, और मैं आपको इसकी जड़ें दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जड़ें कितने अच्छे से ग्रो कर रही हैं, और साथ ही साथ अभी तो ये सिर्फ कोकोपीट में लगी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी लीव्स का भी कलर चेंज है, ये पीछे वाली डार्क कलर की लीव्स हैं, ये अंदर जो निकल रही हैं ये सारी लाइट कलर की लीव्स हैं। तो जो लाइट कलर की वो नई लीव्स निकलना भी स्टार्ट हो गई हैं, बट अब अभी हमको पता है कि इसमें फूल नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ कोकोपीट है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, और ना ही मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र डाला है, क्योंकि अभी तो ये इसमें जड़ें ही नहीं थी जब मैंने लगाया था, सिर्फ कटिंग से इसको मैंने, मुझे ट्राई करना था कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे एक दूसरे पॉट में, तो उसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो आइए ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का चमत्कार। ये देखिए ये हमने निकाला अपने ग्लास से इसको, और ये देखिए कितने अच्छे से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट थी, उसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से हुई है। और ये देखिए नीचे से पूरी ये रूट बाउंडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो अभी रूट बाउंडिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर प्लांट, तो आपको ये रूट बाउंडिंग तो हटाना पड़ेगा। और हम अब इसको ये रिपोर्ट कर देंगे इस वाले गमले में, और ये बाकी जो बची हुई हमारे पास कोकोपीट है हम उसको इसी ग्लास में वापस डाल के हम इसमें दूसरी कटिंग मैरीगोल्ड की लगा लेंगे, ताकि जब मैरीगोल्ड की फ्लावरिंग का सीजन स्टार्ट हो, सितंबर एंड या अक्टूबर सर्दियों के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे पौध हो जाएंगे। पौध प्रिपेयर करने का भी एक अच्छा तरीका है। मुझे बहुत खुशी हुई इस रिज़ल्ट से, मैंने पहली बार मैरीगोल्ड कटिंग से लगाया था और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही शानदार मिला है। आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी इसी तरह से ट्राई करके मुझे अपने रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक से सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। एक महीने के अंदर आपको इस तरह के रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, अगर आप भी इस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं अपने गेंदे या मैरीगोल्ड की कटिंग्स को लेके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।